हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड लेट स्टार्ट योर चैप्टर. वी हैव स्टडी द प्रीवियस चैप्टर दैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस है. एनिमल्स हाउएवर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे नीड रेडीमेड फूड. तो एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो उन्हें रेडीमेड खाने की ज़रूरत होती है. दिस रेडीमेड फूड कम फ्रॉम प्लांट एंड प्लांट और फ्रॉम अदर एनिमल्स. दस एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम अदर एनिमल्स विच ईट प्लांट. सम एनिमल्स हावर ईट प्लांट बोथ, ईट बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड. तो ये जो रेडीमेड फूड है ये हमें प्लांट से मिलता है, मतलब एनिमल्स को प्लांट से मिलता है या फिर अदर एनिमल्स से मिलता है, ठीक है. और जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को कंज्यूम करते हैं. वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स. वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम वी फूड लाइक वीट, राइस, पर्ल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो हम जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी क्या है, एक एनिमल हैं. और हम अपना खाना कैसे, मतलब हमारा खाना क्या है, जैसे कि वीट हुआ, राइस हुआ, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, ये प्लांट से मिलते हैं. एंड द फूड लाइक मिल्क, कर्ड, चीज़, एग आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. और जैसे कि फूड हुए, जैसे कि मिल्क, कर्ड, चीज़, एग हुए, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. सम पीपल also eat meat, chicken, fish as food. These foods are also obtained from animals which eat plant as food. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मीट भी खाते हैं, जैसे कि चिकन हुआ, फिश हुआ, मीट हुआ, तो ये सब क्या है, ये फूड भी हमें एनिमल से मिलता है जो हम खाते हैं. All animals including human beings require food for obtaining energy, growth and repair of damaged body parts. This the process of taking in food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition. तो जितने भी animals हैं, जैसे कि including human being, क्योंकि last अपने बताया है कि human being क्या है, एक animal है, तो इन सबको क्या एक energy की ज़रूरत होती है, food की ज़रूरत होती है energy के लिए, ग्रोथ के लिए, को अपने बॉडी पार्ट के डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए. तो ये जो प्रोसेस होता है टेकिंग इन फूड एनिमल से, मतलब एनिमल के लिए उसकी बॉडी में यूटिलाइजेशन करना, भाई एनिमल फूड कंज्यूम करना है, कर रहा है, उस फूड को यूटिलाइज कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, एनिमल न्यूट्रिशन बोला जाएगा. एनिमल न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स क्या हैं. You have studied in the previous chapter that the process of obtaining the food from other organisms is called heterotrophic nutrition. Animals are heterotrophic in their mode of nutrition. They perform the following four types of heterotrophic nutrition. आप लोगों ने last chapter में पढ़ा है कि जो animals हैं, जो organisms हैं, जो दूसरों से अपना खाना consume करते हैं, food consume करते हैं, वो क्या होते, कौन से होते हैं, heterotrophic होते हैं. और एनिमल्स क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. तो एनिमल्स में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फोर टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर कॉमनली फाउंड इन एनिमल्स. ऑर्गेनिजम्स लाइक होल, सॉलिड फूड और लिक्विड substance in this mode of nutrition. This food is used to release energy by a series of chemical reaction inside the body. Holozoic animals are herbivores, carnivores or omnivores. तो ये जो holozoic nutrition है, इस type का nutrition humans में या फिर और भी animals हैं जिनमें देखने को मिलता है. organisms क्या कुछ भी सॉलिड फूड लेते हैं या लिक्विड सब्सटेंस लेते हैं अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है, तो
तो ऐसा फूड जो है एनर्जी रिलीज़ करता है, जब उसके बॉडी के अंदर क्या है केमिकल सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये जो फूड होता है ये क्या करता है, एक एनर्जी रिलीज़ करता है। होलोजोइक एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं, हर्बीवर्स भी हो सकते हैं, कार्निवर्स भी हो सकते हैं, ओमनिवर्स भी हो सकते हैं। जब आप सिंपल सी बात है, जब डाइजेशन प्रोसेस होता है, आप खाना खाते हैं और डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसके कारण हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है, वो क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर एनिमल्स और प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। मॉस्किटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन पैरासाइट दैट फीड्स टू ह्यूमन ब्लड। ल्यूस इज अनदर ह्यूमन पैरासाइट। अच्छा, इन्होंने बोला है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट मोड क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। इसमें आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें भी है कि कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। और इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, किसका, होस्ट का और पैरासाइट का, वो क्या बोला जाता है, पैरासिटिज्म बोला जाता है। मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ही एग्जांपल है जिसमें जो क्या कहते हैं, मॉस्किटो है वो ब्लड चूसता है ह्यूमन बीइंग का, तो उसे एनर्जी मिलती है, है ना। ऐसे ही न्यूज़ है, यानी कि जो जुएँ वगैरह होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। मिलीपीड्स, वुडलाइस, वुडलेस एंड डग फ्लाइज अकम्प्लिश देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स बाय दिस मैथड। दे ऑल्सो कॉल्ड डेट्रीवोर्स बोला जाता है इनको। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स से अपना न्यूट्रिशन लेता है, जैसे कि मिलीपीड्स हुए, वुडलेस हुई या डंक फ्लाइज हुई। इनमें क्या होता है कि जो अपना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, जैसे कि सूखी हुई लकड़ी है, गीली नमीदार लकड़ी होती है, उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना, कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो वैसा ही कुछ है। तो ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, डेट्रीवोर्स बोला जाता है, ठीक है। मेटेलिस्टिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू एनिमल्स लिव क्लोज टू ईच अदर एंड दे इंटरैक्ट इन सच अ मैनर दैट आइदर बोथ आर बेनिफिटेड और वन ऑफ देम इज बेनिफिटेड बट नन ऑफ देम इज हार्म्ड फ्रॉम दिस एसोसिएशन। मेटेलिस्टिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो दो एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि या तो वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाएँ, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रिशन पहुँचाएँ, या फिर दोनों में से किसी एक को न्यूट्रिशन पहुँचाया जाता है, लेकिन एक दूसरे को किसी को भी हार्म नहीं किया जाता है। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है इस एसोसिएशन का, रिमोरा और शार्क का है। रिमोरा इज़ अ मैराइन फिश दैट इज यूजुअली फाउंड इन द वार्मर पार्ट ऑफ द ओशन। दे क्लिंग ऑन टू द बॉडी सरफेस ऑफ द शार्क एंड गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लेस वेयर द शार्क मूव अराउंड। तो रिमोरा क्या है, एक मैराइन फिश है जो कि ज़्यादातर वार्म यानी कि गर्म हिस्सों में पाई जाती है समुद्र के, और ये शार्क की बॉडी से, मतलब शार्क की बॉडी पे क्या क्लिंग कर जाती है और उसके न्यूट्रिशन को लेती है जहाँ जहाँ वो शार्क क्या कहते हैं मूव करती है, मतलब जैसे जैसे शार्क जाएगी और तो उसके साथ साथ ही जाएगी और फूड ले लेगी, मतलब न्यूट्रिशन बेसिकली। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इसीलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।